इंस्ट्रक्शन किसके लिए है? सबके लिए है ना, वो फॉलो नहीं कर रहे, जो चीज का कोई अहमियत नहीं है वो बुरखा नहीं है। हाउ दे आर रनिंग द स्कूल लेवल का आपके पास एंट्रेंस एग्जाम का सेंटर है, यू आर नॉट कॉलेज का बाउंड्री। मेरे भतीजे का एग्ज़ाम था यहाँ पे आज सुबह, जब ये ओपन हुआ एग्ज़ाम टाइम जब स्टार्ट हुआ था रिपोर्टिंग टाइम 1:00 को, उस टाइम पे गेट पर जो है मुस्लिम स्टूडेंट जो बुरखा पहन के आए थे उनको फोर्सफुली रोका जा रहा था और उनसे कहा जा रहा था कि बुरखे के साथ आपको अंदर अलाउ नहीं है। तो कई सारे स्टूडेंट्स परेशान हो गए और उनको गेट के पास बुरखा उतार कर फिर उनको अलाउ किया गया। जब हमने इसके बारे में इंस्ट्रक्शंस, हमने यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शंस की मेरे पास कॉपियाँ देख सकते हैं जो हॉल टिकट है नीट का, इस इंस्ट्रक्शंस में ड्रेस कोड के बारे में बुरखा के ऊपर बुरखा नॉट अलाउड ये कहीं भी मेंशन नहीं है। इन लोगों को जब हमने बताया तो उनको गेट पर पता ही नहीं है कि क्या इंस्ट्रक्शंस है। जब हमने उनसे हमने पूछा कि आप हमको प्रिंसिपल से मिलाइए, तो उन्होंने अंदर भेजा, फिर वहाँ वो लोग अंदर अलाउ किए। हम एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद जब हम जाके इंक्वायरी किए सोशल एक्टिविस्ट के साथ, तो यहाँ पर ड्रामाबाजी ये चल रही है कि इन लोगों को पता ही नहीं है कि गेट पे किसने क्या इंस्ट्रक्शन दिया है। वो वॉचमैन कहता है कि मुझे स्टाफ ने इंस्ट्रक्शन दिया, और जो स्टाफ हैं उनको पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है, और यहाँ पे जो प्रिंसिपल है उनको भी गेट का सिस्टम पता नहीं है, और यहाँ का जो मैनेजमेंट है और जो यहाँ के एग्ज़ाम सेंटर के सुपरिटेंडेंट है वो भी डिनाई कर रहे हैं, उनको भी अपडेट नहीं है। एक नेशनल लेवल का एग्ज़ाम सेंटर है और आपका एंट्रेंस सिस्टम पे इतना स्टूडेंट्स के साथ हरासमेंट किया जा रहा है और यहाँ पे कोई रेस्पॉन्स करने के लिए रेडी नहीं है। हम यही जानना चाहते हैं कि वहाँ इंस्ट्रक्शन किसने दिया, और स्टूडेंट्स को जो मेंटली हरासमेंट उस वक्त हुआ और एग्ज़ाम में जाके वो लोग जो डिस्ट्रैक्ट हो गए थे स्टूडेंट्स और वहाँ पर सही से अगर परफॉर्म नहीं कर पाए हैं ऐसे स्टूडेंट जिनको इस तरह का टॉर्चर किया गया, तो उसके ज़िम्मेदार कौन होंगे? तो इस बात को सुनने के लिए प्रॉपर रेस्पॉन्स करने के लिए कोई भी यहाँ पर ज़िम्मेदार राज़ी नहीं है। हम ये चाहते हैं कि इस सेंटर के जो भी ज़िम्मेदार हैं और इस तरह का जो ब्लंडर मिस्टेक उनका यहाँ पर हुआ है, सख्त से सख्त उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि नेक्स्ट टाइम से अगेंस्ट द रूल्स वो अपनी मनमानी कोई भी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर ना दें और स्टूडेंट्स को जो एग्ज़ाम के लिए आते हैं किसी भी तरह का कोई भी उनको डिस्ट्रैक्शन ना हो, पीसफुल इन्वायरमेंट उनका हो, हम यही मांग करते हैं, और इन पर सख्त से सख्त इसकी कार्रवाई की जाए और उनको माफ़ी मांगना चाहिए। हमें बड़ी शर्म हो रही है कि यहाँ पर लोगों को शिक्षा दी जाती है, शिक्षा के साथ साथ ये हो रहा है कि आने वाले मुसलमान जो हमारे माँ बहने हैं, भाई हमारे बहने हैं, उनको गेट पर रुका कर जो है उनका जो है बुरखा उतारा जाता है। बुरखा हमारी शरीयत है, बुरखा हमारा ईमान है। आप हम बुरखे को जो है हमारी खातून के लिए उसको जो है इज्जत समझते हैं, आप यहाँ पर गेट पर जो है यहाँ पर शिक्षा देने के बहाने उनके जो इज्जत उतारने की बात करते हैं। हम हरगिज़ ये नहीं चाहेंगे। मैं डिपार्टमेंट से गुजारिश करता हूँ कि इनके ऊपर सख्त से सख्त जो है कार्रवाई करें, और हम भी कानून का सहारा लेकर इनका मुंह काला करेंगे इंशाल्लाह अज़ीज़। मैं गुलबर्गा में नॉर्थ एमएलए और साउथ एमएलए से गुजारिश करता हूँ कि इस मामले को गौर और फिक्र कर कार्रवाई करें। आज आर्यन कॉलेज जो कांग्रेस के एक सीनियर लीडर धर्म सिंह के बेटे अजय सिंह का कॉलेज के नाम से यहाँ जाना जाता है, हम समझते हैं गुलबर्गा शहर वाले की एक कॉलेज सेकुलर कॉलेज है जहाँ पे हिंदू मुस्लिम तमाम तबके के लोग यहाँ पढ़ते हैं, लेकिन आज जब एग्ज़ाम था यहाँ पर आज तमाम मुस्लिम कम्युनिटी के लड़कियों को बुरखा निकालने पे मजबूर किया गया और कम से कम 100 से 125 लड़कियों को यहाँ पर बुरखा निकाल कर एग्ज़ाम देने पर मजबूर किया गया। आज वो तमाम स्टूडेंट डिप्रेशन में आकर एग्ज़ाम दिए हैं। कौन है उसके ज़िम्मेदार? क्या ये कॉलेज के ऑनर अजय सिंह हैं या फिर यहाँ की हुकूमत है? मैं पुलिस डिपार्टमेंट से गुजारिश करता हूँ कि इस कॉलेज के ऊपर एक्शन लिया जाए और यहाँ के तमाम स्टूडेंट से मिलकर बात की जाए कि उनके साथ क्या सलूक किया गया। आज तमाम चीज़ों की तहकीकात होना बहुत ज़रूरी है।